प्रथा और उसके पापा हमारे पड़ोस में रहते तो थे, पर घर से बाहर बहुत कम निकलते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे। बड़े अजीब थे, ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्या छिपा रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू। कमाल, इस लड़की प्रथा के बारे में तो कोई कुछ जानता ही नहीं है। कोई तो बहुत गहरा राज है इस लड़की के पीछे। शेष नागिन वो देशभक्त हैं जिन्होंने अपनी शक्ति और भक्ति से यमुना का सारा विष पी लिया, और यह विषपान सिर्फ एक शेष नागिन ही कर सकती थी। नागिनों की नागिन शेष नागिन को मेरा साष्टांग प्रणाम। जहां पर शेष नागिन विराजित थी वहां से यहां आए हमारे देश को बचाने, अपनी मिट्टी की आन बचाने, और आज इस मिट्टी इस देश को आप पर गर्व है शेष नागिन। समाप्त होने ही वाला है। हमारे पास समय नहीं है प्रथा, तुम्हें ये दूध पीना होगा। हाँ प्रथा, तुम्हें ये दूध पीना होगा, समय नहीं है हमारे पास। हाँ प्रथा, दीदी, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम्हें ये दूध पीना ही होगा, समय नहीं है हमारे पास प्रथा। दीदी, प्रथा, समय नहीं है। माँ नहीं, माँ नहीं। तुम जैसे लड़के, तुम लोगों ने लड़कियों को एक चीज समझा है। लड़कियों के साथ खेल खेलते हो, उनके साथ खिलवाड़ करते हो, उनका चीर हरण करते हो, और फिर उन्हें मार देते हो ताकि तुम्हारे गुनाह का कोई सबूत ना रहे। कातिल अपनी निशानी छोड़ ही जाता है, कत्ल का निशान कातिल को सामने ले ही आता है, उसके मौत को उसके सामने ले ही आता है। आ गई तेरी मौत, तेरे सामने खड़ी है। दिया को जो मौत तूने दी थी, उस मौत के दर्द से भी ज्यादा दर्द मैं तुझे दूंगी। तेरी एक मौत में हजारों मौत का दर्द मैं तुझे दूंगी। मुझे मेरे शिव जी की कसम है, आज आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, आज तेरी जान लेके रहूंगी मैं। भाभी प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप नागिन हो। बताने के लिए जिंदा बचेगा तब ना। शिकार का बहुत शौक है ना तुझे, लड़कियों का शिकार करता है ना तू, आज मैं तेरा शिकार करूंगी। तुम बार बार मुझसे कहती हो कि तुम पैसों के लिए मेरे साथ हो, पैसों के लिए मुझसे शादी की तुमने। तुम कहती कुछ हो पर जब मुझे देखती हो तो दिखती कुछ और। तुम्हारी आंखों में कुछ तो दिखता है मुझे, वो क्या है? तुम यहां मेरी आंखों के सामने यश के साथ, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आना चाहिए पर मेरे दिल में अजीब सी फीलिंग है, जेलिसी जैसा। क्या है? तुम इस पार्टी में मेरे साथ ऐसे आई, I'm very glad। तुम्हें अगर पता होता कि दैट ऋषभ भी इस पार्टी में आने वाला है तो तुम उसके साथ ही, राइट? नहीं, मुझे उनके साथ आना ही नहीं था, मुझे तुम्हारे साथ ही आना था। मुझे भी तुम्हारे साथ आने का कोई शौक नहीं है, इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो तुम्हारे साथ आए।
ये तो मेरे फ्रेंड ने मुझे फोर्स किया तो आना पड़ा. एनीवेज यू गाइस कैरी ऑन. वैसे इंडिया के पास इतना बड़ा डायमंड आया कैसे? ये मेरा डायमंड है. इस पार्टी के बाद मैं इसे इंडियन म्यूजियम में सेफली रख दूंगा. भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? एक्चुअली मैं वॉशरूम घूम रहा था. अच्छा अच्छा, तो ये वॉशरूम है? वॉशरूम वहाँ है. I'm sorry. सॉरी भाई, वो भाभी मेरे पीछे ही पड़ गई थी और आपको कुछ बोलता तो आप सुनते नहीं, तो आपके पीछे से मुझे ये सब करना पड़ा. I'm sorry, ये आगे से नहीं होगा. ऋषभ, तुम्हें कैसे पता चला कि प्रताप इनोसेंट है? इन्होंने बताया. जब हम डांस कर रहे थे तो इन्होंने किसी को प्रथा का फोन ले जाते हुए देखा. मैंने देखा कि ये प्रथा के फोन से किसी को मैसेज कर रहा है और मैं तभी समझ गया कि ये खतरनाक खेल खेल रहा है. और मैंने खेलने दिया क्योंकि मैं देखना चाहता था अपनी भाभी को नीचा दिखाने के लिए तू खुद कितना नीचे गिर सकता है. But Rehan, telling you for the one and the last time, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वरना तेरी जान मैं खुद लूंगा. आपने ये सब पापा, आप ही है वो पांचवा असुर. आप ही ने मेरी नागमणि चुराई. क्यों पापा? बैठना, मैं समझाता हूँ ना तुझे. मुझे कुछ नहीं समझना. सुन लेना मेरी बात, मैं सब बताता हूँ तुझे. तो बताइए मेरी नागमणि कहाँ है? कहाँ है मेरी मणि? प्रथा मेरी बात तो सुन ले. प्रथा मैं बताता हूँ. कहाँ है मेरी मणि? मैं बताता हूँ ना तुझे बेटा. प्रथा प्रथा मेरी बात सुन. प्रथा नागमणि कहाँ है बाबा, बताइए. मेरी बात सुन बेटा, सब बता दूंगा, सब सच बता दूंगा बेटा. नागमणि है ना? मेरी बात दीजिए, मेरी मणि मुझे वापस दीजिए. प्रथा मैं सब बता दूंगा तुझे, लेकिन अब वक्त नहीं है. क्या हो गया तुम्हें? तुम शेष नागिन हो तो मैं शेष नाग. मैं ही तुम्हारी कुदरत हूं और मैं ही तुम्हारी किस्मत. तुम्हें पता है प्रथा, तुम्हारी दीदी की शादी एक शेष नाग से होगी. मतलब? मतलब ये कि हर शेष नागिन को 21 साल की उम्र में शेष नाग से शादी करनी पड़ती है. यही उसकी किस्मत होती है, समझी? तुम्हें क्या लगा था मैं अपनी बहन समायरा की शादी कराने आया था? उसकी शादी की कहानी हमारी कहानी के लिए लिखी थी और हमारी कहानी में हम दोनों की जोड़ी है. शेष नागिन की किस्मत में शेष नाग के साथ ही शादी लिखी है. ये जो लड़की समायरा है ना, मैं तो उसका बहुत दूर का कजन हूँ. ना वो जानती है ना उसका परिवार. कोई नहीं जानता कि मैं शेष नाग हूँ. तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा आने वाला कल, हर एक पल में मैं हूं. छह असुर मिल गए तुम्हें, तुम्हारा काम खत्म. अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे साथ चलो.